हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 65th बीपीएससी पीटी में आए हुए करंट अफेयर्स, भूगोल और मिसलेनियस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज इनवाइटेड बाय द होस्ट यूएई एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू अटेंड 46th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हेल्ड इन अबू धाबी रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जो अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ओमान, इंडिया, टर्की या ऑप्शन ई। और उस समय यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंडिया को इनवाइट किया था। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में और इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें कि 48 ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो 48 कंट्रीज हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेदा सऊदी अरब में है और 48th समिट जो IOC की हुई है 2022 में वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इसरो एंड CNES साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटअप अ जॉइंट मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम। CNES इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है कि CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, जर्मनी, फ्रांस या कनाडा या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, वहीं जर्मनी की स्पेस एजेंसी का नाम है DLR। कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम है कैनेडियन स्पेस एजेंसी जिसको हम CSA भी कहते हैं। इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो जिसके वर्तमान चेयरमैन हैं S. सोमनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पराग्वे टू विच द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड अ विजिट इन मार्च 2019। आपसे पूछा जा रहा है कि पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था। आपके ऑप्शंस हैं असनसियन, जाग्रेब, सेंट जोन्स या माना गोवा या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पराग्वे की राजधानी है असनसियन, जाग्रेब है क्रोएशिया की राजधानी, सेंट जोन्स है एंटीगुआ और बारबोडा की राजधानी, वहीं मानागुआ निकारागुआ की कैपिटल है। पराग्वे जो शहर है, मतलब पराग्वे की जो राजधानी है असनसियान, ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर पराग्वे नदी के बाएं तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द 4th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4th सत्र कहाँ आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, उलनबटोर बीजिंग चाइना या नैरोबी केन्या। उलनबटोर मंगोलिया में है ये आप ध्यान रखेंगे या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नैरोबी केन्या में। 4th सेशन के बाद इसका जो 5th सेशन हुआ है वो दिसंबर 2021 में नैरोबी केन्या में हुआ है और नेक्स्ट सेशन होगा 2024 में, ये भी नैरोबी केन्या में ही आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वाज रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट इन मार्च 2019। आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया। आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या ऑप्शन ई।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इसका सेकेंड एडिशन था, फर्स्ट एडिशन इसका 2018 में रिलीज़ किया गया था। इसके साथ ही ये रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसका जो फोर्थ एडिशन है वो रिलीज़ किया जाएगा वर्ष 2023 में। थर्ड एडिशन इसका रिलीज़ किया गया है 2021 में। ये देश में श्रवण बाधित लोगों का जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सक्सीडेड मनोहर पारिकर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ऑन हिज डेथ रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली। आपके ऑप्शंस हैं सुदीन धवलीकर, नीलेश काबराल, प्रमोद सावंत या रोहन खोंटे, या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत 2019-24 तक के लिए गोवा के मुख्यमंत्री हैं और ये 11th चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज फॉर 2018। आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी पीस प्राइज 2018 के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है। आपके ऑप्शन हैं यहोई शशाकावा, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल या एकल अभियान ट्रस्ट। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यहोई शशाकावा को 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया था। ये जापान से संबंधित है और ये कुष्ठ रोग निवारण में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। 2020 की बात करें तो 2020 में ये अवार्ड शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था और ये अवार्ड देना शुरू किया गया है 1995 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। और आपके ऑप्शन हैं तेहरान, जयपुर, बीकानेर, दुबई या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में खोला गया है वर्ल्ड का पहला कैमल हॉस्पिटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द विनर ऑफ मेन सिंगल्स ऑफ यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं विक्टर एक्सेलसन, लिन डैन, केंटो मोमोटो या शी यूकी या फिर ऑप्शन ई। तो 2019 के अनुसार ये जीता था केंटो मोमोटो ने, पर अगर हम ईयर 2022 की बात करें तो ये मेन सिंगल्स के विनर हैं विक्टर एक्सेलसन जो कि डेनमार्क के हैं और रनर रहे हैं इंडिया के लक्ष्य सेन। इसी तरह अगर यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन की बात करें जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसमें विनर रहे हैं लक्ष्य सेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फाइव राइनो रेंज नेशंस हु साइंड अ डिक्लेरेशन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 आर इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड। आपसे पूछा जा रहा है पांच राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किया है, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन सा देश इसमें शामिल है। आपके ऑप्शन हैं वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फिफ्थ कंट्री है भूटान। ये राइनोस के संरक्षण के लिए डिक्लेरेशन साइन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 25 सेंचुरीज इन द टेस्ट फॉर्मेट आफ्टर सर डॉन ब्रैडमैन। आपसे पूछा गया है कि सर
डॉन ब्रेडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, महेला जयवर्धने, किन विलियमसन या स्टीव स्मिथ, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ। क्रिकेट की कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा, वो बन गए हैं फर्स्ट इंडियन टू प्ले 400 T20 मैचेस। इसके साथ ही विराट कोहली बन गए हैं फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट। इसके बाद बात करें तो फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन जो किरण पोलार्ड हैं, वो बन गए हैं फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 मैचेस। और इंग्लैंड की क्रिकेटर जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ICC ने ग्रांट किया है मेंबरशिप टू उज्बेकिस्तान, कंबोडिया एंड कोटे द आइवर एज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन बर्मिंगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In July 2019, the spacecraft Chandrayaan 2 was launched from which Indian state? आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आंध्र से किया गया था। इसके अलावा अपकमिंग इसरो के मिशंस की बात करें तो जो गगनयान मिशन फर्स्ट है वो 2023 में ही, इसका तीन होगा मिशन। पहला होगा अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट फाइट टेस्ट, दूसरा होगा गगनयान 2, ये भी इसी वर्ष होना है, और ये अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट दो किए जाएंगे पहले, फिर तीसरा जो होगा उसमें क्रू मेंबर्स जाएंगे जो कि गगनयान का फर्स्ट क्रू मेंबर मिशन होगा। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड है जुलाई 2023 में, और मंगलयान 2 ये 2024 में प्रस्तावित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। After Theresa May, who amongst the following was not among the last 7 in the contest after the first round of voting in the Conservative Party to the Prime Minister of UK? आपसे पूछा गया है कि थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं थे। आपके ऑप्शंस हैं बोरिस जॉनसन, मैथ्यू हैनकॉक, रोरी स्टुअर्ट या फिर मार्क हार्पर या ऑप्शन ई। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्क हार्पर। वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो ऑफ नैम हेल्ड इन 2019? आपसे पूछा जा रहा है कि नैम की जो मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित हुई है। आपके ऑप्शन हैं वेनेजुएला, अजरबैजान, सर्बिया, इथोपिया या ऑप्शन ई। और ये आयोजित की गई है वेनेजुएला में। इसके साथ ही नैम की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1961 में, एंड इट इज़ अ फोरम ऑफ 120 कंट्रीज दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN बिफोर सैयद अकबरुद्दीन? आपसे पूछा गया है कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार मुखर्जी। सैयद अकबरुद्दीन से पहले
यूनाइटेड नेशंस में ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। इसके साथ ही वर्तमान की बात करें तो रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। ये अगस्त 2022 से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। और बात करें जैसे कि ऑप्शंस में हरदीप सिंह पुरी, तो वो 2009 से 13 तक यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। निरुपम सेन की बात करें तो 2004 से 2009 तक ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। रुचिरा कंबोज से पहले टीएस त्रिमूर्ति थे यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, और फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें यूएन में तो वो थे समर सेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड द फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ द यूएस कांग्रेस हु स्वेट गूगल फॉर एटलीस्ट $50 million फॉर इट्स डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस अगेंस्ट हिज हर 2020 इलेक्शन कैंपेन। आपसे पूछा क्या है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 million के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया है। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं रो खन्ना, बॉबी जिंदल, राजा कृष्णमूर्ति, तुलसी गबार्ड या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी गबार्ड ने ऐसा किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। आपसे पूछा गया है कि अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, टॉनी मॉरिसन या ऑप्शन ई। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड की ये बुक है अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। इसके साथ ही रस्किन बॉन्ड ने अभी हाल ही में ईयर 2022 में अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया ऑफ द रिटेल फर्नीचर जाइंट आइकिया वॉज ओपेंड इन विच सिटी इन 2018। आपसे पूछा जा रहा है कि आइकिया का खुदरा फर्नीचर की जो विशाल कंपनी आइकिया है वो भारत में अपना पहला शोरूम किस शहर में खोला है उसने। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या ऑप्शन ई। और ये 2018 में खोला गया था हैदराबाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर विल बी द समर ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2020। आपसे पूछा जा रहा है कि समर ओलंपिक गेम्स या जिन्हें हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कहते हैं वो आयोजित कहाँ किए जाएंगे 2020 में। आपके ऑप्शंस हैं बर्लिन, पेरिस, टोक्यो, लॉस एंजल्स या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में ये टोक्यो में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट जो ईयर 2024 में होगा वो पेरिस, फ्रांस में आयोजित होगा। इसके बाद ईयर 2028 में लॉस एंजल्स, यूएसए में आयोजित होगा। और फिर 2032 में ये ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मैनी ईयर। आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को ने 2019 में उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। आपके ऑप्शंस हैं 100 ईयर, 150 ईयर, 75 ईयर या 50 ईयर या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 ईयर्स।
इसके साथ ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो दिमित्री मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाई पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स्ड विच ईयर रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट हैड मेड ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत की संसद ने तीन तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसे तीन तलाक को असंवैधानिक बना दिया था। आपके ऑप्शंस हैं 2011, 2013, 2015 या 2017 या फिर ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा 2017 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द ब्रिक्स समिट 2019 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। आपसे पूछा गया है ब्रिक्स समिट या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला था या हुआ। आपके ऑप्शन हैं ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया या ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2019 में ब्रिक्स की समिट्स हुई हैं ब्राजील में, 20 में रशिया में, 2021 में ये इंडिया में आयोजित हुई, और पिछले वर्ष 2022 में इसका आयोजन चाइना में हुआ है। इस वर्ष 2023 की बात करें तो ब्रिक्स की समिट्स साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिकेम द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मनाभन। आपसे पूछा जा रहा है कि मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने। आपके ऑप्शंस हैं एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, सुरेश नाम्बनाथ या मलिनी पार्थ सारथी या फिर ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश नाम्बथ बने हैं। द हिंदू की बात करें तो ये एक डेली न्यूज़पेपर है जिसके पब्लिशर हैं एन रवि और इसके फाउंडर रहे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसको फाउंड किया गया है 1878 में और ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता है और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा या ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा देश है जापान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन टू इट्स टेरिटरी। आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा का देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, चिले, चाइना, ब्राजील या ऑप्शन ई, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी कंट्री है चिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। आपके ऑप्शंस हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा या ऑप्शन ई, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा द्वीप है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है और यहाँ पर लगभग 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं जिनमें से 6,000 मात्र ऐसे हैं जो रहने योग्य हैं या जहाँ लोग रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, ग्रीक, न्यूजीलैंड, ईरान या ऑप्शन ई,
और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला कंट्री है ईरान। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य है और ये विश्व का लगभग 90% केसर का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में केसर का उत्पादन अगर पूछा जाए कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। आपके ऑप्शन हैं कजाकिस्तान, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या ऑप्शन ई। और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कजाकिस्तान यूरेनियम की सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसके बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर। आपसे पूछा गया है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। आपके ऑप्शन हैं अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स या सेवराय हिल्स या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डमम हिल्स। अनाईमुडी के निकट की जो पलनी और इलायची पहाड़ियां हैं वो फैली हुई हैं। और इस तरह देखा जाए तो जो कन्याकुमारी है वो कार्डमम पहाड़ियों से सटा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। आपके ऑप्शन हैं संघ, कोयल, साउथ कोयल, बराकर या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ कोयल को गंगा नदी की उपनदी माना जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। आपके ऑप्शन हैं कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार पहाड़ियां। ये चाय उत्पादन करने वाली पहाड़ियाँ या चाय बागान की पहाड़ियाँ नहीं हैं। गिरनार एक धार्मिक स्थान है और ये जैनों का प्रसिद्ध स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसीडियस फॉरेस्ट कवर इज। आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ से घिरा हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक जो क्षेत्र घने पतझड़ से जिसका घिरा हुआ है वो है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरल रिफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। आपके ऑप्शन हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ या लक्षद्वीप एंड मेनिकॉय आइलैंड या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी जिसे कहते हैं, वहाँ पर कोरल रिफ्स या प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों जगह पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप विच वन हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस। आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। आपके ऑप्शन हैं ईसाई या क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जैन या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
सर्वाधिक साक्षरता दर तो देखी गई है वो जैन समूह में देखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट मैच, आपसे पूछा गया है कि कौन सी जनजाति और उसके राज्य की जोड़ी सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं भील गुजरात, गद्दीज हिमाचल प्रदेश, कोटाज तमिलनाडु, टूडाज केरल या ऑप्शन ई। और इसमें जो मिसमैच्ड है वो है ऑप्शन डी। टोडा जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, इसके अलावा भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में और कोटास तमिलनाडु में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद जापान, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई विजाग, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई, अमृतसर कोलकाता या ऑप्शन ई। और ये विकसित किया जा रहा है दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई जो आर्थिक गलियारा है वो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंड रिकॉर्ड अधिकारी, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। आपके ऑप्शंस हैं पटवारी, लंबरदार, जमींदार या जलदार या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी पटवारी को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान, आपसे पूछा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल लिटरेसी प्रोग्राम या रूरल रेलवेज या एडवांस कम्युनिकेशन लिंक फॉर रूरल पीपल या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करके आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन हैं बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंत्योदय योजना सबसे पहले शुरू किया गया है राजस्थान से। यह कार्यक्रम 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द फिस्कल ईयर 2018 या 19 द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर, आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार कितना है। आपके ऑप्शंस हैं 32,55,882 या 30,55,882 करोड़, 32,55,882 करोड़ या 28,55,882 करोड़। उस समय के अनुसार जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 28,55,882, मतलब ऑप्शन डी। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के हिसाब से देखें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 634 मिलियन डॉलर है एज ऑफ 31st December 2021 and this is equivalent to 13.2 months of import. India is the fourth largest foreign exchange reserve in the world after China, Japan and Switzerland. बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस. आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है. आपके ऑप्शंस हैं नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक या ऑप्शन ई. और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड. नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी. आपसे पूछा जा रहा है कि ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है. आपके ऑप्शन हैं एक्सचेंज प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स या एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन या फिर ऑप्शन ई. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स. ये एक ऐसी योजना है जो एक आयातक सीमा शुल्क की शून्य दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने में उसे सक्षम बनाती है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इन द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर. आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह कितनी दी जाएगी. आपके ऑप्शन हैं 3500, 2000, 3000, 1500 या ऑप्शन ई. और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000 पर मंथ उन्हें दिया जाएगा. और इस योजना को शुरू किया गया है 2019 से ये योजना शुरू की गई है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया. आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है. आपके ऑप्शन हैं द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस कमीशन, नाबार्ड या ऑप्शन ई. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसको हम शॉर्ट में CACP भी कहते हैं. ये भारत में न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करती है. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू. आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है. आपके ऑप्शन हैं मनी, GDP, पॉपुलेशन, GNP या ऑप्शन ई. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू ग्रोथ रेट GDP से संबंधित है. भारत में 1950 से लेकर 1980 तक जो GDP की विकास दर है उसको हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती है. इस पार्ट में बस इतना ही. आप इसमें से ज्योग्राफी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे और करंट के क्वेश्चंस का नेचर आप देखते रहेंगे. इस पार्ट में इतना ही. धन्यवाद.